नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रणजीत सिंह नायक 28 सितंबर मतलब वर्ल्ड रेबीज डे। ये रेबीज डे इसलिए मनाया जाता है कि हर साल रेबीज से कई लोगों की और पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये वर्ल्ड रेबीज डे 2007 से चालू किया है। लुईस पाश्चर ने इसके वैक्सीन की रिसर्च किया है और इस डिजीज को 2030 तक इरिडिकेट करने के लिए एक जुंबेश है। और दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दी वर्ल्ड रेबीज डे। तो इसका रेबीज ये इट इज ए जूनोटिक डिजीज, मतलब जो एक जानवर से दूसरे जानवर और एक जानवर से दूसरे इंसान को ट्रांसफर होता है। इट इज ए संचारी रोग, मतलब जैसे कि कोई हड़काया कुत्ता, रेबीज वाला कुत्ता इंसान को या दूसरे पशु को काटता है तो वो रेबीज उस जानवर को या इंसान को फैलता है। मट्स वाई रेबीज इज ए जूनोटिक डिजीज और पशुओं में और इंसान में रेबीज एनिमल लाइक डॉग, कैट, फॉक्स, वाइल्ड एनिमल, जैसे कई जो इन्फेक्टेड रेबीज वाले जो पशु काटते हैं उसकी वजह से रेबीज फैलता है। तो रेबीज कैसे होता है? तो रेबीज इज ड्यू टू आरएनए रेप्टो वायरस से होता है, वायरस से यह डिजीज होता है रेबीज का। तो अब कई समय पे ये प्रश्न होता है, ये रेबीज डॉग इंसान को काटने या पशुओं को काटने में काटता है तो कितने दिन में वो रेबीज हो सकता है? तो एक्चुअली जब कुत्ता इंसान को या पशु को काटता है तो कौन सी जगह पे काटता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मुंह पे काटता है तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द डे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में रेबीज होने का चांसेस है। जैसे यहाँ हाथ वगैरह है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, पाँव में काटता है तो और भी ज्यादा टाइम लेता है। मतलब रेबीज एनिमल किसी को काटने के बाद कई दिनों से कई महीनों के अंदर यह डिजीज होता है, रेबीज होता है। अब ये उसके लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण है जैसे फ्यूरियस होता है, सलाइवेशन होता है, पानी से डरता है, लाइक नर्वाइन सिम्टम्स होता है। नर्वाइन इज अ मेजर थिंग्स, क्योंकि एक बार ये डिजीज होने के बाद देयर इज नो ट्रीटमेंट। रेबीज की दुनिया में कोई दवाई नहीं है एक्सेप्ट सिवाय उसका टीकाकरण, वैक्सीनेशन इज द बेस्ट। अब इसको कैसे रोका जाए? जैसे घर का तू, जैसे आप किसी गांव में गए हो तो रेबीज को रोकने के लिए क्या होता है, क्या करना चाहिए? एक्चुअली रेबीज के जीवाणु जब काटते हैं तो वो नर्वाइन सिस्टम चेतातंत्र उसके थ्रू ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में जाने के बाद दे विल ऑल्सो गो इन सलाइवा। तो सलाइवा के मार्फत वो वायरस आते हैं और जब भी कोई पशु काटता है तो वायरस अंदर एंटर होता है। उसके जीवाणु वायरस जो होते हैं वो सलाइवा में होते हैं। तो सलाइवा जब काटता है तो सलाइवा एंटर होता है, फिर वो शरीर के अंदर एब्सॉर्ब होकर डिजीज स्प्रेड करता है। तो इस सलाइवा को रोकने के लिए सबसे पहले जहां भी कुत्ता काटा हो या कोई भी रेबिड एनिमल काटा हो तो वो घाव को ज्यादा से ज्यादा पानी से धोए, उसको यूज फुल वाटर एक्वाटेप के अंदर उसको पानी घाव छोड़ दो और पानी से धो उसको। जितना सलाइवा कम होगा, लाल जितनी कम होगी उतना वायरस लोड कम होगा। उसको पहले पानी से धोए, साबुन से धोए, कॉस्टिक सोडा से धोए और उसको एसेप्टिक सोल्यूशन पर्टिकुलरली टिंचर आयोडीन एसेप्टिक सोल्यूशन लगाए और उसको घाव को साफ करे। दूसरा अगर कुछ ना मिले घर पे तो मिर्ची है, मिर्ची भी आप उसको लगा सकते हो। और घाव को कभी बंद नहीं करना चाहिए, घाव को बंद नहीं करना चाहिए और विद इन 24 आवर्स आपको वैक्सीन करवाना ही चाहिए। वैक्सीन इज दी ओनली वन, एक ही रास्ता है कि वैक्सीन करवाओ। वैक्सीन अगर नहीं करवाओगे तो आपको रेबीज होने का चांसेस 100% होगा। तो बेटर है अगर उसको रोकना हो तो उसको वैक्सीनेशन बहुत करें। अब कुछ लोग घर के अंदर
पालतू पशु रखते हैं, जैसे कोई डॉग पालता है, कैट पालता है, तो उस जानवर को भी हर साल पहले उसका जो बूस्टर डोज लगाया जाता है एज पर दी सिचुएशन ऑफ दी क्लाइमेटिक कंडीशन, हर साल एक बार उसको रेबीज का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए, ताकि जैसे अपन को भी कभी कभी काटता है तो कोई चिंता नहीं है। अब इसमें एक ये भ्रम होता है कि जैसे आज घर का कुत्ता काट लिया हो और अपन पैनिक हो जाते हैं कि भाई क्या होगा, तो एक बात यह है कि जिस डॉग को या कैट को अगर रेबीज होगा तो वो 10 के 15 दिन के अंदर वो मर जाएगा डेफिनेटली। तो मतलब वो समझ जाए उसको रेबीज है तो अपन को वैक्सीन शेड्यूल पूरा करना, अगर विद इन 10 डेज डॉग इज नॉर्मल तो देन देयर इज नो नीड ऑफ वैक्सीनेशन टू अस। उसके साथ साथ गांव में कई जगह पे एक भ्रांति फैलाती है कि जैसे किसी गाय को, अब एक ये बात है, एक रेबीज डिसीज का ट्रांसमिशन ओनली थ्रू बाइट सलाइवा से ही होता है, मतलब रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय सलाइवा, उसका ब्लड या यूरिन या लेक्टिनेशन टच होने से कुछ नहीं होता है। जैसे कभी गांव में ऐसा होता है कि जैसे अपने चाय पिया हो, दूध पिया हो और वो ही गाय कुछ दिन बाद मर जाती है तो अपन को पैनिक हो जाता है, भाई हमने भी दूध पिया तो हमको तो रेबीज नहीं हो सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी अपन दूध पीते हैं तो दूध गर्म करके पीते हैं तो गर्म करने से वायरस उसका मर जाता है, नंबर वन। अगर आपने ठंडा भी दूध पिया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ब्रेन वाला डिसीज, नर्वाइन डिसीज वाला है, सलाइवा से ही उसका ट्रांसमिशन होगा, नर्वस सिस्टम में होगा, तो नर्वस सिस्टम के से ही उसका ट्रांसमिशन होगा। तो अगर ठंडा भी दूध पिया होगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि मिल्क के थ्रू दिस केस इज ट्रांसमिशन। लेकिन सभी से मेरी एक विनती है कि कभी भी अगर ये रेबीज डॉग कैट फ्लाइज जनरली वाइल्ड एनिमल्स कभी काट गया, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स कभी काट जैसे फॉक्स है काट के चला गया, आपको मालूम नहीं है कि वेदर ये हड़कवा वाला है कि नहीं है, तो वैक्सीनेशन इज मस्ट और रेबीज को डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली। एक बार अपने हिंदी में कहावत है, कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देना चाहिए, क्यों? बिकॉज देर इज ए नो ट्रीटमेंट ऑफ द रेबीज, बट उसका जो वैक्सीन अगर टीकाकरण करवाओगे तो आप 100% सेफ हो जाओगे। तो आपको आपके ये वीडियो के द्वारा आप सभी में समाज में लोगों को मार्गदर्शन दें कि भाई जो काटा हो या वाइल्ड एनिमल काटा हो तो उसको सीरियसली लें और वैक्सीनेशन अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।